प्रेस दुलॉड हाल लुआया यीशु मसीह के बबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं पास्टो विल्सन इजाज का बहुत बहुत सलाम और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहता हूँ और खुदावंत की शुक्रगुज़ारी करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए जिसके वसीला से आप खुदावंत के फजल और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर हासिल करते हैं और खुदावंत का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता है हम खुदावंत की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए और नाजरीन हम शुक्रगुज़ार हैं आपके खूबसूरत फीडबैक के लिए भी कि आप अपने खूबसूरत मैसेज़ के ज़रिए हमें आगाह करते रहते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह से आपकी रूहानी ज़िंदगी के अंदर आपका मददगार जो है वो बन रहा है और आप बहुत सी बातों को सीख रहे हैं मजबूत हो रहे हैं खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं जितने भी हमारे मेहमान इस प्रोग्राम में आते हैं आप सभी उनकी लाइफ में से उनकी ख़िदमत में से उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में से ख़ानदानी ज़िंदगी में से मिनिस्ट्री में से उन बातों को सुनते हैं और सीखते हैं कि खुदावन ने किस तरह से अपने फ़ज़ल को उनके ऊपर किया और आज वो खूबसूरत ख़दमत जो है वो खुदावन के लिए कर रहे हैं और उसका नाम उनकी ज़िंदगी के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है हमारा मकसद यही है कि आप इन बातों को देखें सुने और हौसला पकड़ें और ईमान में मजबूत हो जाएँ कि खुदावन मेरे लिए भी सब कुछ करने की कुदरत रखता है और अगर आपकी लाइफ के अंदर कहीं भी ऐसी नाउमीदी है ऐसी कमज़ोरी है आप अपने आप को इस तरह से फ़ील करते हैं कि शायद आप कुछ कर नहीं सकते लेकिन ये गलत है पाखरू आप के लिए भी मौजूद है खुदा का फ़ज़ल आपके लिए भी मौजूद है क्योंकि कलाम क्यों मुक़दस के अंदर लिखा कि उसका फजल हम सब के लिए है और उसका फ़ज़ल हमारे लिए काफ़ी है सब कुछ करने के लिए क्योंकि उसका जलाल हमारी ज़िंदगी के ऊपर मसीह के वसीला से हुआ है और हमें इसमें ज़ोर पाना है हौसला पाना है मजबूत बनना है ताकि हम खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो दे सकें नाजरिन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत टीम जो है वो मौजूद है जो खुदा की खिदमत कर रहे हैं और जो भी तोड़ा ने उनको दिया है भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि खूबसूरत तरीके से खुदा के नाम को उसके वसीला से इज़्ज़त और जलाल दिया जाए क्योंकि खुदा ने हम सब को बरकत बख्शी है तोड़ा दिया है टैलेंट्स दिए हैं कि हम उसकी बादशाहत के अंदर उससे लेन देन करें उससे इस्तेमाल करें खुदा उनके लिए रूहों को जीतें तो हमारे आज के मेहमान भी इसी तरह से खुदा उनकी खिदमत कर

लॉड इसी तरह नाजरिन हमारे साथ मौजूद हैं, खुदा उनके खादि हैं संडे स्कूल टीचर हैं, एहसन विकसन सो so, हम आपको वेलकम करते हैं सो मच फ्रेज द लॉड लिया. और इसी तरह नाजर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी बुजुर्ग हैं खुदा उनकी खिदमत कर रहे हैं मुबशरा नसरीन so, सोरा हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में फ्रेस दलो हाल और यकीनन नाजरन जब आप हमारे आज के मेहमानों की गुफ्तु को सुनेंगे तो यकीनन बरकत को जब वो हासिल करेंगे सो so, आइए अपने सिरों को झुकाते हैं और हम अपने प्रोग्राम को इब्तदाई दुआ से जो है वो शुरू करते हैं और दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा जो है वो एहसन विकसन से कि वो दुआ में रहनुमई करें खुदा बाप खुदा बेटे खुदा राम से अजीम शेख खुदादर अब के सलामती के शहजादे तो जो था तो जो है तो जो आने वाला है दिल दिल था घरइयों से आपके नहाय शुक्र गुज़ार हैं क्या आपने हमें हसन मौका बख्श दिया ताकि हम आपके हजूर झुक सकें आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें और मेरे आसमानी बाप हम जिस अज़ीम मौक़ा के लिए यहाँ पर ठहरे हैं खुदा बाप ताकि हम आपके नाम को जाने खुदा बाप और आपके नाम को पहचानने वाले बन सकें और आपके अजीम सुरमाओं को खुदा बाप जो कि आपकी खदमत में भर चढ़ कर हिस्सा लेते हैं खुदा बाप और आप खिदमत के कर रहे हैं खुदा बप नाम को जलाल दे रहे हैं खुदा बाप ताकि हम उनसे सीखें खुदा बाप हम अपनी जिंदगी में खुदा बप आपके नाम को वेलकम करें और स्परिचुअली तौर पर मज़ीद स्ट्रॉग होते चले जाएँ खुदा बाप जितनी जानें आपके हजूर छुकी हैं और जो देख रही हैं खुदा बाप उनके अपने हजूर खुदा बाप नाम बना बरकत देना खुदा बाप जो आज बड़ी आस्त और उम्मीद लेकर ख़ुदा बाप आपके नाम को खुदा याद कर रही हैं आप सिलतजाग कर रही हैं उनकी ज़िंदगी में खुदा बाप कसर से काम होना शुरू हो जाए हमें टच करना हमें ब्लैस करना खुदा ताकि आज के कलाम के वसीला से आज की गुफगू के वसीला से हम खुदा तीस गुना नहीं साठ गुना नहीं बल्कि सौ गुना खुदा बरक़ात को रसीफ करने वाले बन सकें हमें छू लेना खुदा हमें मस्सा करना मैंने जो भी कुछ मांगा बड़ी मान से मांगा और बड़े से पा लिया आमिल रईज़त लो हाल लो बहुत शुक्रिया ब्रदर और बड़ी ख़ूबसूरत दुआ आपने हमारे नाज़रीन के लिए की है नाज़रीन हम खुदांद की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो देते हैं बड़े खूबसूरत अयाम जो है वो चल रहे हैं रोज़ों के और यकीनन आप खुदांद की हजूरी में मजबूत हो रहे हैं दुआ कर रहे हैं रोज़ा रख रहे हैं क्योंकि ये अयाम हमें इसी बख्शे गए कि हमारी रूहानी जिंदगी जो है वो खुदांद के अंदर मज़बूत हो और ये बड़ी ख़ूबसूरत अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम साल के इस हिस्से के अंदर खास तौर पर अपने आप को दुआ के अंदर मजबूत करें और जो भी आपके रुके हुए काम हैं जो भी आपकी ख्वाहिश है कि खुदावंद आपके लिए करे तो खुदावंद ने कलाम में मुकदस के अंदर हमें सिखाया है कि उन बातों को उन कामों को हम दुआ और रोज़ा के वसीला से अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हासिल कर सकते हैं क्योंकि जब हम रोज़ा रखते हैं फास्टिंग करते हैं तो हम अपने आप को दूसरों से अलग करके की कुर्बत के अंदर लेकर जाते हैं और कोशिश करते हैं कि खुदावंद का फज़ल हमारे ऊपर हो हम उससे बातचीत करें हम उसके साथ वक्त एं और अपने आप को रोजा के अंदर रखते हुए उन बातों के ऊपर जो हमारी जिंदगी के अंदर हमें नामुमकिन लगती हैं उन्हें रोजा के जरिए से अपनी जिंदगी में मुमकिन करें क्योंकि कलाम कलामस के अंदर हम देखते हैं बहुत सी जगहों पर लोग जिंदगी को खुदा के लोगों को जहां पर रुकावट नजर आती है परेशानी नजर आती है नामुमकिन नजर आता है खुदा के लोग रोजा और दुआ के अंदर झुक कर उन बातों को अपने लिए पॉसिबल करते हैं खुदावंद की फेवर को अपने लिए लेते हैं खुदावंद उनके लिए अपने हाथ को बढ़ाता है अपने आसमान को खो, खोलता है खुदावन खुद हम कलाम जो है वो हो जाता है खुदावन जिंदगी के वसीला से हमसे बोलता है हमें डायरेक्शन देता है हमारी रहनुमाई करता है और हमें लेकर चलता है कि हमने किस तरह से अपने आप को इस जमीन के ऊपर लेकर चलना है और उसके नाम को इज्जत और जलाल जो है वो देना है और आज जब मैं कलाम मुकदस को पढ़ रहा था अमाल की किताब उसके तेरवें बाप के अंदर तो बड़ी खूबसूरत बात वहां पर भी हमारे सामने लिखी गई है और तेरहवें बाप के अंदर वहां पर लिख है और जब वो खुदाम की इबादत कर रहे थे और रोजा रख रहे थे तो कुदस ने कहा मेरे लिए बरनाबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको जो है वो बुलाया है तब उन्होंने रोजा रख कर दुआ कर कर और उन पर हाथ रख कर उन्हें रुखसत किया सो तो यहां पर भी हम देखते हैं कि जब हम रोजा और दुआ के अंदर ठहरते हैं खुदा हमसे बात करता है खुदा हमारे कामों को जो है वो हमारे सामने ले आता है और यहाँ पर भी खुद जब उन्होंने रोज़ा रखा दुआ की तो खुदा ने उनसे कलाम किया और साउल और बरनाबास की खिदमत को हम जो है यहाँ पर आगाज़ होते हुए देखते हैं कि खुदा मन कहता है कि इन दोनों को मेरे लिए चुन लो मेरे लिए मखसूस कर दो और जो ज़िम्मेदारी मैं इनको देने को हूँ उसके लिए इनके लिए और फिर सारी कलीसिया ने क्या किया दुआ करके रोज़ा रख के उन्हें मखसूस किया और उस खिदमत के लिए जो इसके लिए खुदा ने उसे बुलाया था उन्हें उनके लिए उन्हें रुखसत कर दिया आप भी ये पैटर्नस हैं ये नमूने हैं जो कलाम मुक़दस में से हमें मिलते हैं आप भी अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई काम चाहते हैं कोई फेवर चाहते हैं कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी के अंदर आपकी डिज़ायर है आप दुआ और रोज़ा के अंदर ठहरें और ख़ुदा उनसे मशवरा करें पाकरू से बातचीत करेंगे डायरेक्शन के अंदर जो है वो लेकर जाएगा और उसका फजल आपकी जिंदगी के ऊपर जो है वो होगा so, आइए अभी हम सुनते हैं खूबसूरत गीत जिसे गाया है फ़्राज़ नैयर ने कहानी आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें प्रेस द लॉर्ड हाल लो ये आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसे फ़राज़ नैर आपके सामने बयान कर रहे थे और कितनी खूबसूरती से उस सारी स्टोरी को जो हमारे लिए यस्ु मसीह ने सब कुछ किया है बयान कर रहे थे उस कहानी को हमारे सामने रख रहे थे कि यस्सु ने किस तरह से दुख उठाया सलीब को अपने कंधों पर रखा कोहे कलवरी की तरफ गया मर गया और फिर जी उठाता के हम उसके साथ जी उठें और फतेह को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वह हासिल करें मेरे अजीजो हमें हमेशा इस कहानी को अपनी रूहानी जिंदगी के अंदर तरोताजा रखना है। क्योंकि जितनी बार हम इसके ऊपर सोचो बचार करेंगे इसके बारे में सोचेंगे इसे अपनी जिंदगी के अंदर रिन्यू करेंगे उतनी ही दफा हम मसीह के अंदर मजबूत होंगे हमारी रूहानी जिंदगी जो है वो तरक्की पाएगी और पाकरू हमारी जिंदगी के अंदर काम करेगा सो आइए अभी वक्त हुआ चाहता है हम बातचीत करते हैं अपने मेहमानों से जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे खुदा उनकी खात्मा पास्टर मिसेज

मैं अपनी चर्च में एज अ वमेन लीडर वुमेन मिनिस्ट्री को लीड कर रही हूँ और संडे स्कूल को लीड कर रही हूँ और खुदावन अपने जलाल के लिए हमें बकसरत इस्तेमाल कर रहा है और आज जैसे रोज़े के याम चल रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रोज़ा आजजी को इन सारी को ज़ाहिर करता है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो खुदा हमारी जिंदगियों में काम जो नामुमकिन होते हैं वो भी हदावंद हमारी जिंदगियों में करता है जैसे हम नानवा को देखते हैं तो नानवा के जब लोगों ने रोज़ा रखा जब वो शहर बर्बाद होने को था लेकिन जब खुदांद का कलाम उन पर नाजिल हुआ यूना नबी के ज़रिए तो जब उन्होंने रोज़ा रखा तो खुदा ने उनके तमाम गुनाहों से उन्हें निजात दी और नैनवा बच गया और इसी तरह हम अगर बाइबल में देखते हैं एस्ट्रे के बारे में तो जो मलका आस्त्र होती है वो अपने कौम के लिए रोज़ा रखती है अपनी सहेलियों के साथ मिलकर अपने सब उस कौम के लिए रोज़ा रखती है जिसके लिए वो दर्द रखती है और खुदावन उस रोज़े को कबूल करता है और उनकी सारी कौम जो है वो बच जाती है तो आज हमें गौर करने की ज़रूरत है कि अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी मुश्किल है या ऐसी परेशानियां हैं जो हम सोचते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है तो हमें ज़रूरत है कि हम बड़ी आजजी के साथ और हम बड़ी हलीमी के साथ खुदावन के हजूर रोजा रखें और अपने आप को खुदावन के आगे सरेंडर करें तो खुदावन बेशक हमारी दुआओं को सुनने वाला और हमारी अल्तजाओं पर कान लगाने वाला खुदावन है तो हमें ज़रूरत है कि जब हमें हम रोजा रखें तो हम अपनी जिंदगी में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रखें कलाम को हमारी ज़िंदगी में अगर हम कलाम को रखेंगे तो हमें पता लगता है कि रोज़ा बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में और जो वो काम हमारे रुके होते हैं वो भी रोज़े के जरिए हम खुदा के आगे रख सकते हैं कि खुदांद तो हमारी जिंदगी में अपने जलाल को ज़ाहिर कर तो हर रोज़ा जो है हमारी जिंदगी में बहुत ज़्यादा जरूरी है लॉर्ड हालिल बहुत शुक्रिया सिस्टर जी और बड़ी खूबसूरत बातें आपने हमारे नाजरन के साथ वो शेयर की हैं यकी हमें इसी तरह से ख़ुदा उनकी हजूरी में चलना और उसके फजल को अपनी जिंदगी के अंदर जब वो हासिल करना है सो so, नाजरन अभी हम बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हैं खुदा उनके खादम संडे स्कूल की खिदमत करते हैं एसन विकसन सो so, ब्रदर हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक से और अपनी खिदमत के तल्ल से जो व्यवर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं उनसे बात कीजिए पहले तो मैं नहाय शुक्रगुजार हूँ अपने खुदावन का जिसने मुझे ये अज़ीम मौका दिया ताकि मैं खुदावन के नाम की गवाही दूँ और सेकेंडली मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मैं यहाँ पर इन्वाइट किया और हम खुदावन के नाम को जलाल दे सकें और हम अपने चर्च को प्रज़ेंट करते हुए इस कलाम में से जो हमने सीखा है और हम इसकी जो खदमत कर रहे हैं उसको आगे लेकर चल सकें और दूसरे लोगों को इसके बारे में बता सकेंगे जो कलाम है और दुआ का रोज़े का जो कन्सेप्ट हमारी ज़िंदगी में किस तरह से अहम है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ख़ुद को कर इंट्रोड्यूस करवा दूँ मेरा नाम एहसान विक्सन है और हम किंग जिसके टी चर्च से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर हमारे जो खादमीन हैं पास्टर गफ़ार पास्टर हुमा और पास्टर जबार वो वहाँ पर पुरजोश तरीके से वहाँ पर ख़दमत कर रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा नहायत शुक्र गुज़ार हैं कि वह हमें इस तरह से इनक्रेज करें मोटिवेट कर रहे हैं ताकि हम ख़ुदा के कलाम को जान सकें पहचान सके और दूसरों को इस चीज़ के लिए तैयार भी कर सके क्योंकि जो चीज़ हम सीखते हैं उसको डिलीवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर लेट्स सपोज हमने किसी चीज़ को सुना है और हम उसे अपनी जिंदगी में दबा लेते हैं और किसी के साथ शेयर नहीं करते तो हम मर हैं अगर हम जो चीज़ हमने सीखी है और हम नेक्स्ट पर्सन तक उस चीज़ को शेयर कर रहे हैं तो दूसरों की जिंदगी के लिए भी बायस बरकत का सबब बनती है सो so, मैं अपने खादमीन का अपने पाशव गफार पाश जबार और पास्म का बहुत ज़्यादा नात शुक्र गुजार हूँ सेकेंडली मेरी खिदमत का आगाज़ कैसे हुआ मैं एक सन्डे स्कूल में स्टूडेंट रहा हूँ और वहाँ पर मेरी मदर जो है वहाँ पर पहले टीच कर रही थी और वहाँ पर पास्टर हुमा जो लीड करती थी संडे स्कूल को मुझे वहाँ से काफ़ी इंक्रेजमेंट मिलती थी मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए इंस्पायर होता था कि अगर मेरी मदर वहाँ पर ख़दमत कर रही हैं मेरी आ, हमारी जो मेरी चाची भी लगती हैं मेरी पास्टर भी हैं और हमें हमारी सेकेंडली हमारी मदर भी हैं वो और जो चीज़ हमें सिखाती हैं वो हमारी ज़िंदगी के लिए बाईस से बरकत हुआ तो हम जो वहाँ पर सीखते हैं वो मेरी जिंदगी के लिए से बरकत हुआ और एक ऐसा मोड आया कि जब मैं बड़ा हो गया और संडे स्कूल से मुझे रुख्सत होना पड़ा और यूथ में आया तो मैं दुनियावी मामला में इस कदर जो था जिन जोड़ चुका हुआ था और परेशानियाँ टेंशन और दुनियावी मामला तो दुनियावी काम इस तरह से थे कि मैं खुदा से दूर हो गया था मुझे खुदा की खिदमत में आगे बढ़ने का शौक तो बहुत ज़्यादा था लेकिन एक दुनियावी कामों में मैं इतना उलझ चुका था कि मैं उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहा था टेंशन और बोझ मेरी ज़िंदगी में था लेकिन एक रुकावट जो थी वो मैं उसको समझ नहीं पा रहा था हर दिन हर संडे पास्टर गफार मुझे चर्च के बाद वहाँ पर रोक लेते और तीन तीन घंटे मुझे जो है लेक्चर देते और जो कि मुझे सुनता भी था समझता भी था लेकिन मुझे थोड़ी सी इरीटेशन होती जो सच्चाई की बात है लेकिन यह है कि चूंकि वो मेरे उस्ताद है तो मैं सुनता भी था लेकिन एक वक्त ऐसा है कि मेरी जिंदगी में इस कदर मुश्किल वक्त आया और मेरी जिंदगी में मेरे लिए आजमाइश भी थी और ख़ुदा ने मुझे चुनना था मेरी ज़िंदगी में एक डायरेक्शन आनी थी तो मुझे पास्टर हुमा ने बताया कि आपकी ज़िंदगी में जो आजमाइश आई है और ये जो डायरेक्शन खुदावन ने दी है ये खुदावन की तरफ से है कि आप अपनी जो डायरेक्शन है वो खुदा की तरफ लेके लेकर क्योंकि खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है और मैं संडे स्कूल टीचर और बाइबल रीडिंग क्लास जो कि हम रात को नौ बजे अपने चर्च में करवाते हैं पास्टर गफार ने मुझे इस चीज़ के लिए इंक्रेज किया पास्टर हुमा ने मुझे इस चीज़ के लिए इंक्रेज किया और मैं अपने चर्च में किंग जिसगे टे चर्च में इस चीज़ की खिदमत कर रहा हूँ और जितने भी नौजवान हैं जितने भी बच्चे हैं जो खुदा से दूर हैं हम उनको इस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं और जितने भी हमारे हम जिस एरिया में रहते हैं वो एक विलेज एरिया है एक ऐसी कॉलोनी है जिसमें सेकुलर स्टडी का बिब्लिकल स्टडी का इतना रुझान नहीं है लेकिन हमारे जो चर्च का वियन है वो यह है कि हम उनको सेकुलर स्टडी में भी और बिब्लिकल स्टडी में भी इस कदर स्ट्रॉन्ग करें और उन्हें उस्तादों का एहतराम और उस्तादों की रिस्पेक्ट के बारे में बताएं कि जो उस्ताद ने अपने उस्ताद से सीखा है वो अपना जो नॉलेज है और जो कलाम एक सबसे बड़ा उस्ताद है जो हमें सिखाता है वहाँ से हमने जो चीज़ सीखी है वो हमारी जिंदगी में डिलीवर करते हैं वो हमारी जिंदगी में नज़र आता है और इस सारा इज़्ज़त और सारा जलाल हमारे यस्सू के नाम को जाना चाहिए जो कि हम इस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं सो मैं मेरी आगे भी यही है कि खुदावन मुझे इसी तरह से खदमत में इस्तेमाल करता रहे थैंक यू सो मच प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बड़ी खूबसूरत गवाही हमारे भाई ने जो है वो इस वक्त हमारे साथ जो है वो शेयर की और ख़ास तौर पर ये यूथ के लिए कि खुदावंद किस तरह से बच्चों से जो है वो मोहब्बत करता है नौजवानों से जो है वो मोहब्बत करता है अगर आप खुदावन के साथ चलना चाहते तो ज़रूर फोकस करें अपनी लाइफ के ऊपर और खुदावंद से उसकी डायरेक्शन को जब वो हासिल करें कि खुदावन का हम में से हर एक की जिंदगी के अंदर कोई ना कोई पर्पस है और जब हम उस पर्पस को जान जाते हैं फिर हमारी लाइफ जो है वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक उसकी मर्जी के मुताबिक जो है वो चलना शुरू हो जाती है और खुदावंद अपने फजल को हमारी जिंदगी के ऊपर जो है वो ज़ाहिर जो है वो करता है ब्रदरसान हम आपके लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद इसी तरह से आपको अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल जो है वह करता रहे और उसका नाम इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता रहे नाज्रीन अभी वक्त हुआ चाहता है हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपकी खदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगु का यह सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा Praise द Lord, हाल ही नाजरीन वेलकम बैक break के बाद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहते हैं और ख़ुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए जिसके वसीला से आप खुदा उनके फ़जल और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हासिल करते हैं और खुदा उनका नाम आपकी ज़िंदगी के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता है मैं ख़ास तौर पर अपने उन व्यूवर्स को वेलकम करता हूँ जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें अभी ज्वाइन किया है ब्रेक से पहले हम अपने आज के मेहमानों के साथ बड़ी खूबसूरत बातें जो थे वो कर रहे थे और जान रहे थे कि खुदा ने किस तरह से अपने फ़जल को उनकी जिंदगी के ऊपर ज़ाहिर किया और आज वो खुदा के लिए खूबसूरत जो है वो खिदमत कर रहे हैं खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं रोज़ा के तल्ल से दुआ के तल्ल से बातचीत हो रही थी हमारे साथ इस वक्त खूबसूरत नौजवान जो संडे स्कूल और यूथ में खिदमत कर रहे हैं वह अपनी बड़ी खूबसूरत गवाही जो थे वो शेयर कर रहे थे कि खुदान ने किस तरह से उन्हें अपनी खिदमत के अंदर बुलाया और यकीन आपने सुनकर बरकत को जब वो हासिल किया और ख़ुदा उनका नाम आपकी ज़िंदगी के अंदर इज्जत

वहाँ कोई खुदा का नाम ही लेते थे लेकिन मेरा बाप खादम था तो मेरी शादी जब हुई तो मैंने वहाँ खुदा के काम को शुरू किया दुआ करनी शुरू की और खुदा ने एक अरसा के बाद हमारे गांव में सलवेशन आर्मी चर्च बनाया फिर वहाँ खुदा के ख़ाद आए और मैं वहाँ यही खिदमत मैंने 16 साल की उम्र में एफजी कॉलेज में से बपतिस्मा लिया तो मेरे अंदर वही तलीम थी तो मैंने वहाँ चर्च के अंदर भी जब दुआ करी मैंने कहा तो अपने जलाल को यहाँ ज़ाहिर करना कि ये हमारी खिदमत नहीं है खुदावन ने ऐसा किया कि मैं जब तीस साल दुआ करती रही अपने घर में अकेली बैठ कर तो खुदावन ने मैं अपने बच्चों को बचपन से ही खुदावन के घर में लेकर जाती और खुदावन को मेरे खुदावन ने मुझ पर ऐसा फजल किया कि मैं मुझे उस गांव के अंदर इस्तेमाल किया और मैंने खुदा की खिदमत को शुरू किया मेरे बेटे जब खुदा के साथ चलते रहे चलते रहे बचपन से मैं उनको लेकर चलती रही तो एक दिन ऐसा हुआ मैंने कहा खुदा मेरे घर से तेरे सूर में पैदा हूँ तो खुदावन का शुक्र मैं करती को मेरे चार बेटे एक बेटी है तो मेरी बेटी भी खिदमत में है तो मेरे बेटे खादम है, प्रस्तार हैं तो मैं का बहुत शुक्र करती मेरी बहुए खिदमत करती हैं और मैं इस वक्त खुदा के फजल से गेट वे चर्च के अंदर बहनों की मीटिंग चलाती हूँ घरों में जाकर कलाम सुनाती हूँ और बहुत सी बेड़ों को जमा करती हूँ और दुआ रोजे में उनको सिखाती हूँ बाइबल में से नामिया नबी के बारे में कुछ ने अपने बनीसल कौम के लिए रोजा रखा और खुदान ने उसकी दुआ को सुना और आज भी हमें यीशु मसीह ने भी यही बताया दुआ रोजे में टैरने के लिए तो हमें क्या करना है फाका करना है और मसीह की तलीम को हासिल करना अपनी आने वाली नस्लों को बचाना है ताकि हमारी नस्लें ख़राब ना बल्कि पुज दर पुज हमारी नस्लें खुदा की खिदमत में चलती जाए तो मैं खुदावन का बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि खुदा ने हमें ऐसे खादम भी दिए कि ताकि हम अपना प्रोग्राम इनके पास आकर करें अपनी गवाही को शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक दुनिया तक पहुँचे ताकि लोगों की जो बेटे बेटियाँ जिनके हैं जो खुदामन से दूर उनकी माएँ दुआ रोज़ा रखेंगी जब करेंगी तो फिर खुदा की ज़िंदगी में अपना जलाल ज़ाहिर करेगा वो आने वाले वक़्त में अपनी नस्लों को बचा सकेंगे तो मेरी यही आपसे अल्तजा है कि हमने खुदामन के साथ चलना है दुख में तकलीफ में भी हमने खुदामन के पास आना है कि उसने अपना बेटा हमें बख्शा है ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक के हमेशा की ज़िंदगी पाए हमेशा की ज़िंदगी सिर्फ हमारे गुदाम यसू के पास है तो हमारे गेट वे की कलिसिया के अंदर भी खुदा का फजल है कि हमारी कलीसिया दुआ रोजा रखती है और ये रोजे के यहाँ भी चल रहे हैं तो हमें भी रोजा ज्यादा से रोजे के साथ वक्त गुजारने की जरूरत और दुआ में ठहरने की ताकि खुदा सबको बरकत दे और इस मैसेज से खुदा आपको बरकत दे और अपने काम और अपने कलाम में बढ़ने का फजल थैंक यू जी हमीन बहुत शुक्रिया सिस्टर जी और बड़ी खूबसूरत बातें आपने हमारे नाजरन के साथ जो है वो शेयर की और देखें खुदांद की बंदी जो है वो बता रही हैं कि मैं 16 साल की उम्र से खुदा के साथ चल रही हूँ और अभी बुजुर्गी के अंदर हैं और खुदावंद में हर हाँ दिन जो है वो मजबूत होती चली जा रही हैं बढ़ती चली जा रही हैं बहुत सी जिंदगी के लिए बरकत का बायस जो है वो बनी है अपनी गवाही के वसीला से ख़दत के वसीला से हमें भी नाज्रीन इसी तरह से अपने आप को जवानी के दिनों के अंदर जब भी आपको खुदावंद बुला रहा है फ़ोकस करें उस बात के ऊपर खुदा को कबूल करें अपनी जिंदगी के अंदर अभी भी अगर कोई ऐसा शख्स ऐसी बहन ऐसा बच्चा ऐसा बेटी हमें देख रहे हैं जो खुदावत को कबूल करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अपनी जिंदगी खुदावत को दें अपने गुनाहों से माफी मांगें रिपेंट करें अपने आप को और खुदावत को कबूल करके उसे अपना शख्स नजात बनाए यन वह आपकी जिंदगी के अंदर अपने फजल को बरकत को कसरत से जो है वो लेकर आएगा और उसका नाम आपकी जिंदगी के अंदर इज्जत और जलाल जो है वो पाएगा सो नाजी अभी वक्त हुआ चाहता है सुनते हैं खुदा उनके हमारे साथ आज मौजूद हैं, के खादम, पास्टर साथ, साथ हम चाहते हैं कि आप आज का कलाम जो खुदा दिया है जो नाजरन इस वक्त आपको देख रहे हैं उनके साथ शेयर करें आ, मैं खुदा उनका शिक्र गुजार हूँ जो हमें बारहा मौके फ्राहम करता है कि हम उसके कलाम की मनादी करें उसके कलाम की वसत के लिए बादशाही के लिए काम करें सो मैं आज तहे दिल से शुक्रगुजार गुज़ार हूँ फज़ल टीवी का उनकी सारी टीम का पास्टर विल्सन साहब का और हम सब मिलकर ख़ुदा उनके नाम को हमेशा जलाल देते रहें सो so, मेरा ताल्लुक है किंग जीसस गेटवे चर्च से एज ए लीड पास्टर और किंग जीसस गेटवे चर्च का एज ए चेयरमैन मैं ख़िदमत कर रहा हूँ वहाँ पर सो so, इसके साथ मैं आज आपके साथ इयाम के अंदर चंद बातें शेयर करूंगा ख़ुदा के कलाम में से दुआ और रोज़े के तल्ल से सो so, मेरे जीज़ो आप सब मेरे साथ कलाम खुदा में से देखें मुक़दस यूना नबी का सहीफा उसका तीसरा बाब और उसकी हम पढ़ेंगे चौथी आयत से और यूना शहर में दाखिल हुआ और एक दिन की राह चला उसने मुनादी की और कहा चालीस रोज़ के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा तब नैनवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोज़ा की मनादी की और अदना वाला सब ने टाट ओढ़ा और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया और बादशाह और उस कि अरकान दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया और इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गला या रमा कुछ ना चखे और ना खाए पिए लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलबिस हों और ख़ुदा के हजूर गिर करें बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रविश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज़ आए और हम हलाक ना हों कलाम खुदा का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाई से बरकत हो आमीन खुदा, खुदा। उनका शुक्र हो मेरे जीज़ो मैं चाहता हूँ कि चंद बातों पर हम गौर करें कि रोज़ा के लिए मनादी की गई है पूरे मुल्क के अंदर अदना और इसके साथ ये खबर बादशाह तक भी पहुंच गई है कि सारे मुल्क के लोग रोजा रखें और बादशाह ने फिर ऐलान किया कि इंसान और हैवान भी रोजा रखेंगे हर एक जानदार जिसके अंदर जान है वो रोजा रखेगा और सब खाकसार हो जाएंगे मेरे अजीजों रोजा हमें खाकसारी सिखाता है कि हम सब ने खाक में मिल जाना है और सिर्फ हमारे खुदा का नाम ही बाकी रहेगा और जो कुछ हम उससे मांगेंगे क्योंकि वही सारे इख्तियारत का मालिक है वही हमें बचा सकता है कोई उसके बगैर नहीं है मेरे मेरेजीज़ों आज हम रोजे की अहमियत को समझें रोज़े को जानें कि रोजा हमें खुदा के नज़दीक लेकर जाता है रोजा हमें इंकसारी सिखाता है हलीमी फरोतनी बर्दाश्त सिखाता है जैसे हम भूख को बर्दाश्त कर रहे हैं इसी तरह हम मुसीबतों को भी बर्दाश्त करना सीखें इसी तरह हम दुखों के अंदर भी बर्दाश्त को पैदा करें ताकि हम खुदा के नजदीक क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है जब हम मसी की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो मसी ने हर एक चीज को बर्दाश्त किया हर दुख को बर्दाश्त किया जमीन के ऊपर आज हमें जरूरत है और रोजा हमें खुदा के नज़दीक लेकर जाता है क्योंकि हमें फिर दुनिया की नहीं खुदा की फिक्र होती है कि हमने खुदा से मांगना है हमने खुदा के साथ वक्त गुजारना है क्योंकि जब आप खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं तो खुदा आपको प्यार करता है वो आपको कभी तनहा नहीं छोड़ेगा वो आपकी दुआ पर कान लगाएगा और आज जैसे रोजे के बारे में हमने ज़िक्र किया इसी तरह दुआ के बारे में भी हमें ज़रूरत है रोज़ा रखने का मकसद ये नहीं है कि हम सारा दिन रोज़ा रख के सारा दिन सोए रहें हम सारा दिन बिस्तर पर लेटे रहें टाइम को बस हमने पास करना है कि सुबह को हम उठे हैं मुँह धोया है और छोटी सी दुआ करके बस सारा दिन वैसे गुजार दिया और शाम को जब रोज़े को खोलने का टाइम आए तो फिर हम जिखाने के लिए तैयार हो जाए रोज़ा ये नहीं है रोजा ये है कि हमारे दिल के अंदर खुदा की मोहब्बत कायम हो रोज़ा ये है कि हम बर्दाश्त को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आए हम मोहब्बत के अपने आप को काबिल बनाएं क्योंकि आज के दौर के अंदर अगर हम देखें तो हर एक शख्स जो है वो बड़ी मुसीबत के अंदर है परेशानी के अंदर है मोहब्बत मांद पड़ रही है ठंडी पड़ती जा रही है कलाम ख़ ख़ुदा के अंदर लिखा है लेकिन लिखा है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा इसी तरह रोज़ा हमें सिखाता है कि हमने बर्दाश्त करना है इसके साथ जब हम दुआ को जोड़ते हैं तो हम बाइबल के अंदर देखते हैं मेरे जीज़ो कि यसुम सी ने भी दुआ के लिए हमें कहा है ने भी दुआ में वक्त गुज़ारा आज हमें भी दुआ में वक्त गुजारने की जरूरत जब आप रोजा रखते हैं आप दुआ में ठहर जाए खुदा के साथ जुड़ जाए खुदा के हजूर में दुआ करें गिर करें और यहां पर हमने लिखा है कि वो इस उम्मीद में रोजा रख रहे हैं गिर कर रहे हैं दुआ कर रहे हैं कि शायद खुदा हमें हलाक ना कर खुदा हमें इस आफत से बचा लेगा खुदा हमें हलाक नहीं करेगा और हम बच जाएंगे मेरे जीज आज जरूरत है कि हम रोजे को अपनी जिंदगी के अंदर अपनाएं अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और दुआ हमें हर वक्त करने की ज़रूरत है इसी तरह हम नए अजनामा में से एक हवाला देखेंगे जैसे हमने रोज़े के ताल्लुक से देखा इसी तरह दुआ के ताल्लुक से हम एक और हवाला देखेंगे नएनामा में पालूस रसूल का पहला ख़त था क्योंकि कलीसिया के नाम उसका पांचवा बाब उसकी सोलहवीं आयत से देखेंगे हर वक्त खुश रहो बिलानागा दुआ करो हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मिसी यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है आमीन खुदा उनका शुक्र हो हर वक्त खुश रहो और बिला नागा दुआ करो यानी जैसे हम हमें अपने इस बदन के लिए ख़ुराक की ज़रूरत और एक दिन भी हम खुराक से अपनी ज़िंदगी के अंदर नागा नहीं करते यानी एक दिन भी खुराक को नहीं छोड़ते क्योंकि इस बदन को क़ुत की ज़रूरत है इसी तरह हमारी रूह को दुआ की जरूरत है हमें अपनी रूहानी जिंदगी के लिए दुआ की जरूरत है और बाइबल कह रही है कि बिला नागा यानी आपने दुआ नहीं छोड़नी आपने दुआ करते रहना है क्योंकि हमारी मुसीबतों के अंदर हमारी परेशानियों के अंदर जब हम दुआ में झुकते हैं दुआ करते हैं खुदा के हजूर में तो खुदा हमें तसली देता अपने कलाम के वसीला से क्योंकि वो चाहता है कि हम खुश रहें और वो कहता है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो जब हम शुक्रगुजारी करेंगे जब हम खुदावन के कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा रखेंगे मेरे अजीज़ हो हमने दिखावे की दुआ नहीं करनी हमने अपने वालदेन को खुश करने के लिए दुआ नहीं कर हमने अपने दोस्तों को ये दिखाने के लिए दुआ नहीं करनी कि मैं बहुत दुआ करता हूं बल्कि हमने खुदा के हजूर में अपने आप को पेश करना है और अपनी रूहानी तरक्की के लिए दुआ करनी है अपनी रूहानी जिंदगी के लिए दुआ करनी है ताकि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बायस बरकत हो क्योंकि खुदा हमारी जिंदगियों से यही चाहता है क्योंकि मैं यस्सु में खुदा के हजूर यही हमारे लिए मर्जी है कि हम उसके कलाम को दूसरों तक पहुँचाएँ हम उसकी आवाज़ को दूसरों तक पहुँचाएँ उसकी बादशाही में काम करें मेरे चीज़ों दुआ को रोज़े को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें क्योंकि ये बड़ा अहम है जैसे हमने दूसरी चीजों को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया हुआ है जैसे इंसान दुनियावी ख्वाहिशात के लिए अपने आप को काम के सपुर्द कर देता है वो डबल ट्रिपल ड्यूटी कर लेता है इसी तरह हम खुदा के हजूर में अपनी रूहानी जिंदगी के लिए दुआ को मकसद बना लें रोजे को मकसद बना लें कि ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता मैंने दुआ करनी है मैंने रोजा रखना है सिर्फ हम एक रिवायती दुआ करने वाले ना हो, बल्कि हम रूह में दुआ करने वाले हों हम रूह में चलने वाले हों क्योंकि रोज़ा और दुआ हमारी रूहानी गज़ा है ये हमें खुदा के नज़दीक लेकर जाएंगे खुदा से तसल्ली मिलेगी खुदा से इत्मीनान मिलेगा आज लोग अगर उनके पास आ, कुछ है नहीं लोगों के पास जाते हैं देखते हैं किसी दूसरे को बढ़ते हुए देखते हैं तो कहते हैं यार हमारे पास नहीं है हमें उस बात को उस चीज़ को देखकर खुश होने होने की ज़रूरत है और खुदा से यह कहने की जरूरत है खुदा मैं तेरा बंदा हूं मुझे इस चीज़ की जरूरत है तू मेरी जिंदगी के अंदर वसायल पैदा कर खुदा तू मुझे बरकत दे और उसके लिए हम दुनियावी नहीं बल्कि रूहानी हो क्योंकि जब हम दुनियावी चीज़ों के पीछे भागेंगे तो फिर खुदा हमसे खुश नहीं होगा हमें रूहानी तौर पर जब ये लोग नैनवा के लोग जो थे वो सारी दुनिया की चीज़ें हासिल कर रहे थे वो दुनिया के कामों में मगन थे वो दुनिया की ख्वाहिशों में परेशानियों में हर तरह के कामों में डूबे हुए थे उनको खुदा की कोई फिक्र नहीं थी लेकिन जब उनको पता चला इस बात का तो उन्होंने रोज़ा रखा उन्होंने दुआ की मेरे जीज़ो आज हमें भी अपनी मुसीबतों को अपनी परेशानियों को एक साइड पर करके खुदा के, के ज़ूर में झुकने की ज़रूरत है आज ये आयाम हमें याद दिलाते हैं कि हमने रोज़ा रखना है ये आयाम हमें याद दिलाते हैं हमने सिर्फ इनको फ़र्जी रोज़े नहीं समझना बल्कि इन आयाम के अंदर हम खुदा के नज़दीक बढ़ते चले जाएं हम साल में कभी भी रोज़ा रख सकते हैं लेकिन ये रोज़े हमें याद दिलाते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर रोज़े की अहमियत है ये रोज़े हमें याद दिलाते हैं कि हमने दुआ में झुकना है क्योंकि हम सारा साल भागते हैं दौड़ते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे कामों के लिए वक्त गुजारते हैं लेकिन खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारते मेरे मेरेज़ीज़ो आज का पैगाम हम सब के लिए यही है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा के कलाम को पहला दर्जा दें दुआ को रोज़े को क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसी नेसेसिटी होनी चाहिए जैसे हम जैसे हमें पानी की ज़रूरत है पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते इसी तरह अपनी ज़िंदगी के अंदर इस चीज़ को रख लें कि मैंने दुआ और रोज़े के बग़ैर जिंदा नहीं रह सकता मेरी ज़िंदगी में रोज़ा बहुत अहम है दुआ बहुत अहम है और दो लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है लोग खुद ब खुद देख लेंगे कि आप खुदा के साथ चलने वाले हैं लोग तुम्हें मेरे नाम से जानेंगे याद रखें मेरे जीज़ो आज का पैगाम इन दिनों के अंदर जब हम रोज़ों में से गुज़र रहे हैं हर रोज़ हम रोज़े के बारे में सीख रहे हैं तो मेरे जीज़ों मैं भी आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें दुआ को रोज़े को ताकि आप खुदा में मजबूत होते चले जाएं और अबलीस का मुकाबला करके अबलीस को शर्मिंदा करें क्योंकि बाइबल कहती है अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा इसलिए दुआ और रोज़े के अंदर अपने आप को मजबूत करें ताकि आप खुदा से बरकत पाएं खुदांद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बहुत शुक्रिया भाई साहब और बड़ी खूबसूरत बातें आपने जिंदा कलाम के वसीला से हमारे नाजरीन तक जो है वो पहुँचाई हैं और यकीन है नाजरीन आपने सुनकर बरकत पाई है कि दुआ और रोज़ा के वसीला से आप खुदा की ख़ास खुश को अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने मामलत के अंदर जो है वो हासिल कर सकते हैं और ख़ुदा का नाम आपकी ज़िंदगी के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता है सो नाजरीन अभी वक्त हुआ चाहता है हम आपकी रिक्वेस्ट्स के लिए दुआ करेंगे जो आपने मैसेजेस हम तक पहुंचाए हैं आएँ अपने आप को तैयार करें और खुदावंद के सामने झुक जाएं खाली करें अपने आप को और हम सभी खादम मिलकर आपके लिए शफ़ायत करेंगे कि खुदावंद अपना कुदरत वाला हाथ आप पर बढ़ाए yes. और अपने फ़जल को बरकत को आपकी ज़िंदगी के अंदर दाखिल करे आसमानी बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते और हैं और तुझे मुबारक कहते हैं फजल को बरकत को तेरे प्यारों के लिए चाहते हैं जो इस वक्त हमें फसल टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं और तेरे सामने झुके हुए खुदा खुदा इन्होंने अपनी दरखास्त को मिन्नत को खुदा तेरे सामने रखा है खुदाउा ताकि तो इन्हें बरकत बख्शे हम तेरे खादम होते हुए खुदा के लिए तेरी हजूरी में शफायत करते हैं खुदाउंद तेरा आसमान इनके लिए खुल जाए और तेरा कुदरत वाला हाथ बढ़े खुदांद खुदा अगर इनमें से कोई बीमार है तो उसे

को जाहिर कर बरकत को जाहिर कर इनके बिजनेस के अंदर इन्हें बढ़ोती को अता कर खुदा उन खुदा ताकि तेरा यस्ु नाम इनकी जिंदगी के अंदर इज्जत और जलाल पाए खुदा व खुदा इन्हें छू और ब्लेस कर अगर कोई अपनी अजवाजी जिंदगी के अंदर परेशान है उसे हम तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे लेकर आते हैं खुदा दिन जोड़ों के लिए तेरी बरकत को तेरी सलामती को चाहते हैं खुदांद खुदा उन हर तरह के लड़ाई झगड़े को खुदा उन खुदा हर तरह की मनफी सोच को खुदा उन खुदा हर तरह की ऐसी रुकावट को खुदा जो इनके अज्वाज के अंदर प्रॉब्लम को ला रही है खुदा हम तेरे यस्सु नाम से डांटते खुदा जाते हैं जिसे तूने जोड़ा इंसान कभी जुदा ना करने पाए और तेरा फजल इनकी जिंदगीों के ऊपर हो खुदा अगर कोई औलाद के लिए परेशान है हम उसे तेरे फजल के नीचे लेकर आते हैं खुदा खुदांद खुदा हर तरह का खुदा खुदांद खुदा वायरस खुदा खुदा हर तरह की रुकावट खुदा खुदा तेरे यसु नाम से जाती रही इन्हें फलदार बना खुदा उन खुदा इन्हें बरकत दे खुदा उन खुदा ताकि तेरा यसु नाम इनकी ज़िंदियों के अंदर इज्जत और जलाल पाए खुदा उन खुदा, खुदा। इन्हें चू और ब्लेस कर अगर कोई माली तौर तो पर परेशान है हम ये तेरे, तेरे आसमान को जो पे तेरा पे अच्छा पे खजाना इनके लिए खुदा खोलते हैं और खुदा तेरी रसद को इनके लिए चाहते हैं खुदा उन खुदा ब्रेक थ्रू को मांगते हैं खुदा खुदा ब्लेस कर इन्हें खुदा उन खुदा ताकि तेरा येसु नाम इनकी जिंदगी के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए खुदाद इसी तरह हदाद अपने प्यारे वतन मल्क पाकिस्तान के लिए तेरी, तेरी बरकत को सलामती को सरफराजी को चाहते हैं नासरी के नाम से यह मुलक खुदाम सरफराजी को हासिल करे तो बरकत को हासिल करे खुदा अपने प्रेजिडेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर के लिए सी एम्स के लिए खुदा उन खुदा पाक अफवाज के लिए अदलिया के लिए इंटेलिजेंस अदारों के लिए तेरी बरकत तेरी सलामती को चाहते हैं और ये मुल्क ईमानदारों की दुआओं से सलामती को बरकत को हासिल करे और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए खुदा इसी तरह ख़ुद अमद हम तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए सिस्टर महविश के लिए उनकी फैमिली के लिए तेरी बरकत को सलामती को सरफराजी को चाहते हैं ख़ुदाद ने छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदाद इसी तरह फजल टेलीविजन के लिए सारी टीम के लिए हम तेरी बरकत को सलामती को सरफराजी को चाहते हैं इस चैनल के वसीला से तेरी गवाही पूरी दुनिया के अंदर फैलाई जाए खुदा और दुनिया खुदा खुदा तेरे यसु नाम को खुदा खुदा कबूल करे और बरकत को सरफराजी को हासिल करे छू और ब्लेस कर खुदा उन खुदा और बरकत दे ताकि हम इसी तरह तेरी शुक्रगुजारी रहे करते रहें यस्सु नासरी के नाम से आमीन 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया यकन नासरी आपने आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत को हासिल किया है अभी मैं अपने मेहमानों से इजाज़त चाहूंगा पास्टर गफ्फार वारी साहब आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ लाए इसी तरह पास्टर हुमा गफ्फार साहब आपका भी शुक्रिया और एस एन विकसन आपका भी शुक्रिया और सिस्टर जी मुब्शा नसरीन आपका भी शुक्रिया आप सभी इस प्रोग्राम के अंदर आए और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे व्यूवर्स को जो है वो बरकत बख्शी है व्यूवर्स आप भी अपना ख्याल रखिएगा हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ नए मेहमानों के साथ तब तक देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद